माय ब्यूटी, आपने बुलाया सर? नहीं तो ओके सर। अरे अच्छा हुआ तू आ गया, तेरा ये बोतल खोल दे। वाह बड़ा खिलाड़ी है रे तू, पक्का बेवड़ा लग रहा है तू। नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, जब भी नाकाम होता था तो पीता था सर। लास्ट टाइम सर मैंने डिग्री में फेल होने के बाद पिया था। डिग्री में फेल होने का गम नहीं मनाते विश्वास, जिंदगी में फेल होना सबसे बड़ा गम है। आजा बैठ। अरे आपके साथ बैठूं? अबे रोज तो गाड़ी में मेरे साथ ही बैठता है ना। बात में दम है सर। बढ़िया टैग लगा। मैं एक डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ भीष्म। हाँ। मॉर्निंग टू एग्स, इवनिंग टू पेग्स, नाइट टू लेग्स। अरे चिकन लेग्स की बात कर रहा हूँ, प्रोटीन्स। ओके सर। लगा रहने दीजिए, जब पीता हूँ तो मीम्स याद आते हैं। अच्छा ऐसा, तो सुना कोई? एक चाय दो खारी, एसीपी सब पे भारी। बढ़िया था। एक और सुना। एक मिनट सर, बर्फ लेके आता। ले क्या की आग। चित्रा जी, पापा को बर्फ चाहिए, कहाँ मिलेगी? मेरी जेब में मिलेगी, हाथ डाल के ले लो। जेब में? कौन सी जेब? बर्फ और कहाँ हो सकती है, फ्रिज में ही ना। जाओ। बर्फ कहाँ है? सोचा कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए सर, इसीलिए नहीं लाया। इस बार कुछ ऐसा सुना कि रोम रोम मचल उठे। रोम रोम मचल उठे ऐसा? हाँ, हीरो होंडा स्प्लेंडर। हाँ। गौर कीजिए। हाँ। हीरो होंडा स्प्लेंडर, एसीपी सर है थंडर। तू जरूर करेगा कोई ब्लंडर। क्या टाइमिंग है सर। और एक लगा। बड़े अरसे बाद पीने के वक्त ऐसा मजा आया। एक और सुना दे यार। एक मिनट सर, सोडा लेके आता हूँ। अच्छा सोडा चाहिए, ये ले। सर, सर, चिप्स सर। अच्छा ये है ना इधर। बहुत भारी है तू। सर अचार है। तू यहाँ से कल्टी मारने को देख रहा है ना। हाँ। बदमाश, चल जा। ओके। क्या है? सर को चखने के लिए अचार चाहिए था, कहाँ रखा है? आखिर क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? सर ने मंगाया है। डैडा बर्फ नहीं लेते, अचार भी नहीं खाते वो। अगर डैडा के नाम से मुझे फिर परेशान करने आए तो उन्हीं की बंदूक से उड़ा दूंगी। तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची? वो तो पूरी हो जाएगी पापा, लेकिन मुझे जेपी अंकल की हालत को लेकर थोड़ा बुरा लग रहा है। जेपी की हालत? उसे क्या हुआ? उन्होंने ही एसीपी के पास भेजा था ना, और एसीपी की लड़की से प्यार हो गया। एसीपी मतलब? अरे वही सड़ा हुआ मेरा तो। बचपन से ही देवा मेरे बेटे से चिढ़ता था, उसे पता चला तो पता नहीं वो मेरे बच्चे के साथ क्या करेगा। इसका जिम्मेदार तो ये है, मेरे मना करने के बाद भी इसने उसे देवा के पास भेजा। अरे ठंडे दिमाग से बता क्या हुआ है। तेरे भतीजे को देवा की लड़की से प्यार हो गया है। बेहोश। आज हम सब यहाँ ये चर्चा करने वाले हैं कि भारत की खेती का भविष्य क्या होना चाहिए, केमिकल फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं फील्ड साइंस के एमडी मिस्टर राघवन जी और भीष्मा ऑर्गेनिक्स कंपनी के एमडी भीष्मा जी। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि केमिकल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में उनकी अपनी क्या राय है। वाह क्या लड़की है। अरे परिमल भैया आप यहाँ कैसे? यही मैं तुझसे पूछने वाला था। बिना टिकट के तू शो देखने आया है ना? शो तो आप देखने आए होंगे, मैं उससे देखने आया। तू तैयार है ना? सुंदर है ना? तू लड़कियों के पीछे भागना कब छोड़ेगा? तेरी वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उसके बाद एमएससी एग्रीकल्चर में नौकरी करनी पड़ी, वहाँ पर सैलरी और भी कम थी। हाँ तो अंकल जी आप कौन सी फसल उगाते हैं? मिर्ची उगाता हूँ सर। आप खाद का इस्तेमाल करते हैं या भगवान भरोसे खेती करते हैं? आप ही की खाद इस्तेमाल करते हैं, उससे खेती अच्छी होती है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। हम जो भी काम करते हैं किसानों की खुशी के लिए ही करते हैं भीष्मा जी, हमें और क्या चाहिए।
खुशी का मतलब ये नहीं कि कपड़े कितने अच्छे हैं या जेब में कितने पैसे हैं। खुशी का मतलब है सेहत। खुशी का मतलब हमारी अगली पीढ़ी की खुशहाली। अगर रसायनों का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ तो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ ही धरती माँ को भी नुकसान पहुँचेगा। ये सब किताबी बातें हैं सर, आज के जमाने में इन्हें कोई नहीं मानता। इन बातों से किसान अब और बेवकूफ नहीं बनने वाले। अब आप जाम्बिया या इथोपिया को देख लें, क्या हालात है वहां। लोग भूख से मर रहे हैं। उधर स्विगी नहीं है, पैसे नहीं है। बढ़ती आबादी को देखें तो 2050 में हम जितना अनाज उगाएंगे वो सिर्फ 40% लोगों को ही मुहैया हो पाएगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें जेनेटिक बदलाव करने होंगे, आधुनिक रसायनों को किसानों तक पहुंचाना होगा। लेकिन आप इसके बजाय ऑर्गेनिक और खुशी जैसी फालतू बातें कर रहे हैं सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक अब पुरानी हो चुकी है, आप ही की तरह पुरानी हो चुकी है। दरअसल वो ही। सर, 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 आपकी कंपनी के लोगों के अलावा मेरी कही इस बात को किसी एक ने भी झूठ साबित किया तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अपना सब कुछ छोड़ दूंगा। भैया, लड़की को इम्प्रेस करने का एक आइडिया आया। तो मुझे क्यों बता रहा है? मैं क्या तेरा कबूतर हूं जो तेरी बात वहां पहुंचा हूं? सर, चेक चेक। तुझे पैसे नहीं मिलने वाले हैं। आपने सही कहा सर, यहाँ किसी को भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। जाम्बिया और इथियोपिया जैसे देशों में भूख से मरने वाले लोगों को भी इस सब के बारे में कुछ नहीं पता सर। सर, आप केमिकल से ज्यादा फसल उगाना चाहते हैं ना, तो फिर आपने आपकी कंपनी उन्हीं देशों में क्यों नहीं शुरू की? आपने उन्हें भूख से मरने से बचा लिया होता। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं जानता हूं क्यों। इसकी दो वजह है। एक है पैसा, वो गरीब देश है, वहां आप क्या कमा लोगे। दूसरा है मिट्टी, हमारे देश जैसी उपजाऊ जमीन उनके यहाँ है ही नहीं। सर, जब मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो आपके केमिकल से क्या होगा? वो क्या है ना, फसल के लिए मिट्टी चाहिए, आपका केमिकल नहीं। हाँ, वो तो ठीक है पर सर, मुझे बोलने का मौका दिया है तो आप बीच में टोकिए मत। ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं, बताइए ना सर। हाँ। अरे, आज के इस मॉडर्न जमाने में भी ऊपर वाले पे विश्वास? तो सदियों पुरानी ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने में बुराई क्या है सर? हमारे वेदों में और कई धार्मिक ग्रंथों में यही कहा गया है कि जमीन से सोना उगाने के लिए ऑर्गेनिक खेती सबसे अच्छी है। हाँ, यही सच है। अगर इसे सही तरीके से अपनाएं तो कोई शक नहीं कि जमीन को किसी केमिकल की जरूरत पड़े। प्रकृति को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान की जो भी जरूरतें हैं उसे प्रकृति पूरा करती है। उसे आपके केमिकल से बर्बाद मत कीजिए। अब यहाँ से आगे मेरे दोस्त MSc एग्रीकल्चर गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर परिमल भाई बोलेंगे, उन्हीं से सुनिए। थैंक यू। रुको भीष्मा। तुम्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में इतना कैसे पता? तुमने उस दिन किताबें दी थी ना, मैंने सारी पढ़ ली। तुमने सारी किताबें पढ़ ली? हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है। ओह, तो तुमने इतनी सारी मेहनत मुझे इम्प्रेस करके पटाने के लिए उठाई है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो, तुम्हें बस ये सब्जेक्ट पसंद है तो ठीक है। मैं नीचे रुकता हूँ, तुम आना। आई लव यू। किसी लड़के से प्यार करने के लिए चमत्कार की जरूरत नहीं होती, बस दिल में सच्चाई होनी चाहिए। शुरुआत में ही मैं तुम्हें समझ चुकी थी। हेलो डैड, गाड़ी खराब हो गई है। हैदराबाद के छोकरे बिगड़ते जा रहे हैं सर। अगर कुछ दोस्त मिलकर मस्ती मजाक कर भी रहे हो
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मवाली है या आवारा है। कल वही लोग किस मुकाम पर होंगे ये हमें नहीं पता। आज नुक्कड़ पर पान बेचने वाला इंसान भी सीएम बन सकता है। मुझे तो उसी वक्त समझ आ गया था कि तुम कैसे हो। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मेरे लिए यादगार है। तुमने मेरे लिए 10 गुंडों को पीटा, 20 दिन डैडा के साथ बिताए, एक नया सब्जेक्ट तुमने सिर्फ 30 मिनट में सीख लिया। आमतौर पर लड़की खुश होती है जब कोई लड़का उसके लिए कुछ करता है, लेकिन जब कोई उसके लिए कुछ खास करता है तो वो खुद को लकी समझती है। आई लव यू। तुम भी प्यार करते हो ना? हद से ज्यादा करता हूं। हेलो सर, मैं किसी काम से स्टूडियो गया था, तभी मैंने ये वीडियो शूट किया सर। इसे अचानक मेरी याद कैसे आई? नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। उठा, उठा। ये भी किधर है? वो आनंद जी के घर पे है। ने तुम्हें फिर कॉल नहीं किया? दो बार कॉल नहीं उठाओ तो कोई भी भला आदमी फिर से नहीं करता। चल मैं निकलता हूं। अरे कोई भूत देख लिया क्या तूने?